गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो चैप्टर उपसर्ग था, यानी कि जो टॉपिक था हमारा उपसर्ग, को आज कंप्लीट हो चुका है, कल ही कंप्लीट हो चुका था। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। सर्ग जो शब्दांश से सबसे पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय प्रत्यय इसके बिल्कुल विपरीत है। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता प्रकट कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे खिलाड़ी है, खिला प्लस आड़ी, क्या बन गया ये? खिलाड़ी। झूल प्लस आ, क्या बन गया? झूला। ठीक इसी प्रकार कुछ भी आप शब्द उसके आगे, समाज प्लस एक सामाजिक प्रत्यय, ठीक है, समाज प्लस एक सामाजिक, रख प्लस वाला रखवाला, ठीक है, ये क्या है? सॉरी प्रत्यय है। हिंदी में प्रत्यय के तीन भेद हैं। जिस प्रकार हमारे उपसर्ग के चार भेद थे और प्रत्यय के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, वो ही है। पहला देखो, यहाँ पे प्रत्यय है, प्रत्यय के तीन भेद कौन कौन से हैं? संस्कृत की प्रत्यय, दूसरा है हिंदी प्रत्यय, और तीसरा है विदेशी। और मुख्य रूप से कौन सा है? उर्दू के ही होते हैं विदेशी में, ठीक है, ये हो गए। अब जो हिंदी के प्रत्यय हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से देखो। हिंदी के जो प्रत्यय हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और दूसरा है तदित प्रत्यय। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि खिलाड़ी हो गया, अनाड़ी हो गया, झूला हो गया। ठीक, हिंदी में प्रत्यय के तीन भेद होते हैं, कितने? तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। और विदेशी प्रत्यय में मुख्य रूप से उर्दू भाषा के ही प्रत्यय होते हैं। हिंदी प्रत्यय, अब इनके कोई भेद नहीं है, संस्कृत के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय के कोई भेद नहीं है, लेकिन हिंदी जो प्रत्यय है इनके भी भेद हैं। हिंदी के प्रत्यय है, इनके कितने भेद हैं? दो भेद हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब यहाँ तक हो गया, अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के प्रत्यय की। संस्कृत के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग क्या होते हैं और
प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और जो शब्दांश शब्द के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। जो हिंदी के प्रत्यय है वो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब संस्कृत के प्रत्यय देखते हैं। संस्कृत और इनकी शब्द रूप प्रत्यय लगाकर कौन से शब्द बनते हैं? इत, इत से गर्वित, हर्षित, ठीक। इक प्रत्यय, इक से सामाजिक, धार्मिक, मानसिक, ये एक प्रत्यय लगाने से बनते। इत प्रत्यय से गर्वित, हर्षित, समाज से एक प्रत्यय सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। ये भारतीय, मानवीय, चौथा है ए, आग्ने, पाथे, राधे, ठीक। पांचवा है तुम, अधिकतम, न्यूनतम, ठीक, उच्चतम, निम्नतम, पांचवा है, छठा वान, दयावान। वान प्रत्यय लगाने से कौन कौन शब्द बनते हैं? दयावान, बलवान, मान। सातवां प्रत्यय है मान, मान से शक्तिमान, अभिमान, ठीक। आठवां है त्वे, त्वे से बन गया गुरुत्व, लघुत्व, नौवां है साली, शक्तिशाली, वैभवशाली, बलशाली, और दसवां एंड लास्ट प्रत्यय है तत्, उच्चतर, निम्नतर और श्रेष्ठ। ये हमारे हो गए संस्कृत के प्रत्यय, ठीक है। और इसके बाद में हमारे आएंगे हिंदी के प्रत्यय, वो हिंदी के प्रत्यय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा
इतना ही काफी है। धन्यवाद।